अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आप बार बार मुझे ना कमेंट्स सारे कर रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही, क्या मसला है, किसी ने रोका है, क्या है, कब आप आ क्यों नहीं रही। दरअसल मैंने पहले उस दिन वीडियो बनाई थी, अब भी बना रही हूँ कि मुझे ना काफ़ी तेज़ बुखार है और ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो फिर मैंने चलो सोचा कि आप लोगों को बता दें, आपने मेरे दुआ करें कि मैं जल्दी से जल्द ठीक हो जाऊं। तो अभी फ़िलहाल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, तब जब तक मैं ठीक ना हुई मुझसे अच्छे से वो वीडियो नहीं बन पाएगी। तो मुझे पता सब मेरा वेट कर रहे हैं कि सामा यूट्यूब पे आए तो फिर कोई यूट्यूब पे थोड़ी सी रौनक बने। दरअसल मजाक कर रही थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मौसम पता नहीं चेंज हुआ। मैंने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा पानी पीने के साथ भी ना ये हर साल ये वाला जो मंथ है ना ये मेरे लिए बहुत भारी है। इस मंथ में मेरी बेहद तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे ना सीने के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। और ये है जी मासी, मासी मासी भी एक खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। मासी बोल रही थी बताओ सबको, तो मैं हनो आवाज़ कम करो, आप बताएं मासी क्या खुशी है। अस्सलाम वालेकुम, मेनू खुशी है कि मेरे बच्चे मिलन लग पे आ। एक बच्ची मेरे को आ गई है, निके निके आ, दोतिया दोते आ, खेलते आ, मैं खुश हूँ आपकी दुआएं दे नाल। हाँ जी, ये मासी के भाई खुशी के आंसू आ गए मासी की, यानी कि एक बेटी ने मासी से राबता किया, कसम से बड़ी खुशी की बात है। तो वो इतनी अच्छी है, वो कह रही मैंने रहना ही अपनी माँ के पास है, तो यहाँ मासी के पास ही उन्होंने घर ले लिया है। तो पहले वो कहीं और जगह रहती थी। मासी पहले कहाँ रहती थी? खानपुर। पहले वो खानपुर रहती थी, खानपुर में उनकी शादी हुई है, तो अब वो ना इधर यजमान में ना शिफ्ट हो गई है मासी के पास ही। अब मासी अंदर से काफ़ी बीमार होने लगी थी, लेकिन अब मासी बिल्कुल ठीक है। जब से वो बेटी आई है, मासी के छोटे छोटे नवासे भी हैं। एक नवासी है, एक नवासी, दो नवासे। हाँ, सारा दिन मासी उनके साथ खेलती है, घूमती। चलो एक आ गया, बाकी भी इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दवाएं दी तो उनको भी ख्याल आया, तो जैसे भी है किसी की पता नहीं दवा निकल गई मुँह से, या अल्लाह के इसके बच्चे इसको मिला दे ताकि हम बड़ी बेटी है कि ये छोटी है? बड़ी। सब तो बड़ी है, ये सब तो बड़ी है, सब तो बड़ी। अच्छा चलो, सबसे बड़ी आ गई ना बेटी, बाकी भी आ जाएंगे, एक आ गया दूसरा आ गया। मासी कुल बच्चे कितने हैं? छः। छः बच्चे हैं, चलो एक आ गया, बाकी पांच रह गए। अच्छा एक आ गया, बाकी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी बहन ना ले आएगी, जब उसको देखेगी अपनी माँ का प्यार, हमारी माँ ऐसे है तो बड़ी बहनें ले आती हैं, ताकि मैं भी बड़ी हूँ तो मेरी कभी कभी मेरी भी छोटे मेरी बात मान लेते, कभी कभी रोज़ नहीं, क्या पता उसकी भी बात मान ले। तो बाकी आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। माँ चीज़ ही ऐसी होती, बस थोड़ी सी हो जाती है इंसान के अंदर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तो लेकिन फिर ये रिश्ता ही ऐसा है, दूर हो के भी पास होते हैं, पास हो के भी दूर होते हैं, रिश्ते कुछ ऐसे हैं, अनमोल रिश्ते हैं। फिर माँ और दूसरा क्या बोलते हैं बच्चों का एक अलग ही रिश्ता होता है। तो आप लोग सब दवाएं, पता नहीं किसने की दवा की, किसने की इसकी बेटी आ गई, मासी खुशी से उस दिन पागल। अब मासी नहीं संभाला जा रहा अपने आप को, बड़ी देर बाद मासी ने अपनी बेटी देखी है। तो बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अभी हमें मेरे हाल पे छोड़े, मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। फिर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी वीडियो बनाई गई हैं, बहुत सी बातें, वो सारी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के शेयर करेंगे, बातें सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप फिलहाल मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ना जल्द से जल्द ठीक कर दे, फिर आप लोगों के साथ फिर यूट्यूब पर आप सब के साथ हम होंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे किया, फिर मेरे हस्बैंड की स्टोरी का पूछना चाह रहे थे आप लोगों ने, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अपनी हस्बैंड की स्टोरी शेयर करूँगी। तो उसके साथ क्या बोलते हैं हनु का चैनल माशाल्लाह, हानिया से हानिया नूर है लेकिन मैं उसे प्यार से हनु बोलती, तो हनु के चैनल को माशाल्लाह आपने इतनी सपोर्ट की, मेरी बेटी बहुत खुश है। तो ऐसे आप लोगों का छोटी से अल्फाज, छोटा सा एक उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, वो इतनी खुश हो जाती है, तो यही खुशियाँ होती हैं जो आप लोग हमें देते हैं। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं है। जहाँ पे आप लोगों के मैं एक छोटा सा मैसेज दूँ कि 100 लोग हैं ना, उसमें से अगर 4 आप लोगों के ख़िलाफ़ है ना,
तो अगर 96 आप लोगों के साथ है ना, तो आप वो 4 लोगों का साथ दिया करें, ताकि वो लोग होते हैं आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाने वाले, ताकि जो अच्छे लोग होते हैं ना हमारे साथ होते हैं, वो अच्छे काम में भी हमारे साथ हैं, बुरे में भी साथ हैं, उन्होंने हमारा साथ देना होता है। लेकिन जो हम लोग सीखते हैं वो सीखते हैं अपने मुखालफों से। लेकिन मेरी किसी से कोई मुखालिफ नहीं है, मेरे तो सब अपने हैं, कोई बात नहीं है। ये चैनल है, कभी हम भी बुरा बोल जाते हैं, कभी वो भी बुरा बोल जाते हैं, इस बात में मेरा मैं नहीं बोलती कोई बात, ये है ही काम ही ऐसा है यार। इसमें किसी के साथ कोई नाराज़गी ना हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत है, ना किसी से कुछ है। तो यहाँ पे सब अपना अपना आते हैं, अपनी वीडियो बना लेते हैं, जिसका कोई कॉन्टैक्ट है, जिसका कोई किसी साथ जो वक्त गुजर रहा है वो बयान कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। मासी कोई पैगाम? ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ आप लोग पूछते हैं मासी, मासी के साथ दरअसल हमारे घर का अफराद है, इसकी खुशी के साथ अगर ये थोड़ी सी हो जाए ना टेंशन ले ले तो मेरा अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम मासी को परेशान हैं। मासी जो उस दिन की बड़ी खुशी है, मासी हमारी यंग होगी, देखिए हमारी मासी ने रंग भी, मासी अपनी खूबसूरती का राज अगली वीडियो में बताना, इसी वीडियो में नहीं बताना, ठीक है? हम अपनी ठीक है मासी की माशाल्लाह बहुत प्यारे टोटके होते हैं, कसम से मासी के टोटके बड़े ज़बरदस्त। मासी मासी कह रही मेरा चैनल बना दो, मैंने कहा ना तो मेरे चैनल में ही काम कर। चले ठीक है भाई, दुआओं में याद रखिए, दुआ कीजिए मैं जल्द सा ठीक हो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।